नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भी एस न्यू ब्लॉक विद न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ट्रेन नंबर 02329 सियालदा आनंद विहार वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस COVID-19 स्पेशल ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इसमें आपको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन कोलकाता के सियालदा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस के बीच चलती है। यह ट्रेन सियालदा से दोपहर को 1:10 पर खुलती है और आपको अगले दिन सुबह आनंद विहार टर्मिनस 8:40 पर पहुँचाती है। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हफ्ते में एक दिन चलती है, हर मंगलवार को, और इस ट्रेन को सियालदा से आनंद विहार टर्मिनल तक 1445 की दूरी तय करने में 19:30 का समय लेता है और इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको 3 सेकेंड सीटिंग का कोच, 11 स्लीपर क्लास का कोच, 3 3rd AC क्लास का कोच, 1 2nd AC क्लास का कोच, 1 1st और 2nd AC का कंपोजिट कोच और 1 पेंट्री कार का कोच होता है इस ट्रेन में। और इस ट्रेन का टिकट प्राइस है 2nd सीटिंग का 385 रुपये, स्लीपर क्लास का 635 रुपये, 3rd AC का 1665 रुपये, 2nd AC का 2385 रुपये और 1st AC का 4045 रुपये। यह किराया सियालदा से आनंद विहार टर्मिनल तक का है। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है सियालदा से दिल्ली तक। इसका लोकोमोटिव WP7 होता है। अब मैं आपको वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की कैटरिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको पेंट्री कार ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपको ई कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन कौन से रूट से होकर जाती है, जैसे कि आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था, यह ट्रेन सियालदा से खुलती है दोपहर को 1:10 पर। इसका पहला हॉल्ट आता है बर्धमान जंक्शन, यहाँ पहुँचती है दोपहर को 2:37 पर और 3:39 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका दूसरा हॉल्ट आता है दुर्गापुर, यहाँ पहुँचती है दोपहर को 3:23 पर और 3:25 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका तीसरा हॉल्ट आता आसनसोल जंक्शन, यहाँ पहुँचती शाम को 4:02 पर और 4:07 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका चौथा हॉल्ट आता धनबाद जंक्शन, यहाँ पहुँचती शाम को 5:10 पर और 5:15 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका पाँचवा हॉल्ट आता है गया जंक्शन, यहाँ पहुँचती रात को 8 बजे और 8:05 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका छठा हॉल्ट आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यहाँ पहुँचती रात को 10:25 पर और 10:35 पर खुलती है ट्रेन, 10 मिनट रुकती है। इसका सातवां हॉल्ट आता है कानपुर सेंट्रल, यहाँ पहुँचती रात को 3:10 पर और 3:15 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका लास्ट आठवां हॉल्ट है आनंद विहार टर्मिनस, यहाँ पहुँचती सुबह 8:40 पर ट्रेन।